नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोग समझते हैं कि कोई भी टॉपिक या चैप्टर होगा तो हमारे दिमाग में पहले से डर बन जाता है कि आप कैसे याद रखेंगे। और हम तो कहेंगे कि आप एक या ट्रिक अपनाएं या ऐसे ही समझ लें कि कई पार्ट में, जैसे कोई भी टॉपिक आपको समझना है ना, तो कई पार्ट में उसको डिवाइड कर दें। कई पार्ट में डिवाइड करके जब आप उसको समझेंगे तो बड़े ही आसान हो जाएगा समझना। तो जैसे देखिए, हमने जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी में इतने समय जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो किस पे चल रहा है, हिमालय चल रहा है। तो इंडिया का पहले आपको मैप याद होना चाहिए। देखिए, अक्सर हम हर वीडियो में लगभग बोलते हैं कि जो मैप है इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का मैप आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। दिमाग में फीड होने क्या है कि जहां आप सोते हैं मैप ले आइए, रेगुलर देखेंगे तो 1 या 2 महीना, ऐसा नहीं कि 5-6 दिन में आपको सारे मैप की जानकारी हो जाएगा, लगभग 1 से 1.5 महीना आपको लगेगा। आप धीरे धीरे देखते रहेंगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप याद होना जरूरी है। जैसे देखिए, हम लोगों का जो इतने समय हिमालय का चल रहा है चैप्टर, तो याद कैसे रखेंगे, आपको याद कैसे रखना है, तो ये चारों दिशाएं पर चार पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। एक हो जाएगा आपका नॉर्थ में, एक हो जाएगा आपका साउथ में, तो यानी नॉर्थ हिमालय आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा ईस्टर्न हिमालय या पूर्वी हिमालय आ जाएगा। तो ये भी बड़ी ही आसान है, बाकी साउथ हिमालय, और एक आ जाता है पूर्वी हिमालय और एक पश्चिमी हिमालय, और बीच में कुछ आ जाता है जैसे सतपुड़ा होगा, नीलगिरी होगा, विंध्याचल पर्वत होगा। तो ये जितना हमने बताया ना, ये कई पार्ट में डिवाइड करके जब हम लोग पढ़ेंगे तो बड़े ही आसानी से हमारे दिमाग में ये फिट हो जाएगा और कभी भूलेगा भी नहीं। और जितने क्वेश्चन पेपर में आते हैं और जितने क्वेश्चन आने वाले हैं सारा इसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और बड़े ही आसानी से क्वेश्चन भी फिट हो जाएगा, मतलब कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी आप पहले ही डर जाएंगे कि यार इतना ज्यादा कैसे याद करेंगे, तब तो समस्या है। इसीलिए कई पार्ट में आपको डिवाइड इसको कर देना है। हम लोगों का इतने समय टॉपिक चल रहा है हिमालय, नॉर्थ हिमालय का चल रहा है, और ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय का हम लोगों का हो गया है। आज जो हम लोगों का हुआ था वो है मिडिल हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। इसका भी वीडियो बन गया है, अभी अपलोड हो गया है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इधर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी हिमालय, बस पूर्वी हिमालय, उसके बाद से साउथ हिमालय, फिर पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, और बीच में आ जाता है आपका नीलगिरी, उसके बाद से विंध्याचल सतपुड़ा, उसके बाद से समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी टॉपिक समझने के लिए उसको कई पार्ट में डिवाइड करके अगर समझा जाए तो बड़े ही आसान हो जाता है, ठीक है।